Now let's talk about different connections of spring time period of the block executing SHM in the figure given below. कैसे देख मैं कहना चाह रहा हूं इस तरह से, अगर इस तरह होगा तो कैसे किया जाए। हाँ बस टाइम पीरियड तो ये है 2π/ओमेगा। अगर हम और इसके साथ फॉर्मूला निकल के जाता था 2π m/k वे दिस वॉज के इक्विवेलेंट। अगर हम ये साबित कर दें कि k1 k2 आपस में पैरेलल में है या सीरीज में है, ऐसा कुछ साबित कर दें अगर, तो के इक्विवेलेंट लगा के टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। बहुत सिंपल है साबित करना। जैसे कि अगर आप इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। देख लीजिए कैसे। ब्लॉक यहां आ जाएगा, यहां पे कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन नोटिस करिए यहां पे आप खींच रहे हो तो स्प्रिंग छोटा होना चाहेगी इधर की तरफ, फोर्स लगेगा स्प्रिंग पे K1x, और यहां दबा रहे हो तो स्प्रिंग खुलना चाहेगी, तब भी इधर ही होगा K2x। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये किसी और डिस्टेंस से स्ट्रेच हो और ये किसी और डिस्टेंस से कंप्रेस हो। आफ्टरऑल ब्लॉक तो उतना ही मूव कर रहा है, इट इज द ब्लॉक विच इज मूविंग बाय एक्स, सो स्प्रिंग वन हैज टू एक्सटेंड बाय एक्स एंड स्प्रिंग टू हैज टू कंप्रेस बाय एक्स। फोर्स आप सेम लगा रहे हो तो नेट फोर्स क्या हुआ आपका K1 + K2 × x के बराबर, क्योंकि ये K1x और K2x, आप चाहे तो अलग अलग लिख लो। मैं क्या लिख रहा हूँ, नेट फोर्स आपका क्या लग रहा है, नेट फोर्स इस स्प्रिंग को दबा रहा था उसको काउंट करो, इस स्प्रिंग को खींच रहा है उसको भी काउंट करो, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस साइन आ रहा है। दबाने पर स्प्रिंग उल्टा करना चाहेगी और इसे एक्सटेंड करने पर स्प्रिंग छोटा होना चाहेगी, दोनों सेम दिशा में आ गए। और फिर किसी भी फोर्स को लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट एक्स, K1 + K2 x, एक्स कैंसिल हो गया, आपने के इक्विवेलेंट निकाल लिया K1 + K2। ये लीजिए, जैसे के इक्विवेलेंट आया टाइम पीरियड भी तुरंत आ गया 2π m/K1 + K2। इससे पता चलता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस तरीके का सिस्टम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में तुरंत ये सवाल सॉल्व कर सकें।